चिले। सो लेह लद्दाख में, तिब्बत में, बुद्धिस्ट सब आपस में जो ग्रीट करते हैं नमस्ते नहीं जुले बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है ना जुले जुले। सो मैं हूँ अभी चांगला पास में, यहाँ ज़बरदस्त ठंड है और भाई ये जो रास्ता है अपने आप में बहुत एडवेंचरस ट्रैक है, पूरे इतने बड़े पत्थर पूरे रास्ते पे, आपको ऐसा लगता है कि यार हम कहाँ एडवेंचर पे जा रहे हैं, और बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और पिघलती हुई बर्फ से पानी सड़कों पर है और इट्स जस्ट अमेजिंग प्लेस। आपने शायद एक न्यूज़ सुनी होगी, हमारी एक आर्मी का ट्रक नीचे गिर गया था और कुछ जवान उसमें शहीद हो गए थे और उसमें से एक पर्सन था जो अराउंड 48 आवर्स तक वहाँ बर्फ में रहा था। तो दिस इज़ द सेम प्लेस, वेरी चिली और यहाँ बर्फ इस मौसम में भी बहुत ही ज़्यादा है। फ्रेंड्स, चांगला पास 17,688 मतलब 17,688 फीट की हाइट पर है, सो मच हाइट। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा मंदिर है चांगला बाबा का, और यहाँ पर माना जाता है कि ही इज़ दी गार्जियन ऑफ दिस पास। तो जो लोग इसको पास करते हैं वो बाबा के दर्शन कर कर ही जाते हैं, और मैंने जब दर्शन करे तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो इतना आत्मविभोर हो गया था, मेरी आँखों से तो आंसू ही नहीं रुके, क्योंकि मैं जब गया तो वहाँ पे प्रेयर का टाइम चल रहा था, प्रार्थना का शुरू होने वाली थी और जैसे ही जोत लगने वाली थी पीछे से ऐसे मंत्रों की आवाज़ आ रही थी, मैं तो पता नहीं क्यों, कोई रीज़न नहीं था, लेकिन मैं तो रो पड़ा एकदम। ये अद्भुत मंदिर है, मुझे तो बहुत प्यार हो गया इस जगह से, इतनी सुंदर जगह है, इतनी सुंदर जगह है चांगला पास। और मुझे, मैं फिर यही कहूँगा कि मुझे एक्लिमेटाइजेशन जैसी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश एयर है, सनी भी है, चिली भी है, सनलाइट है, स्नो भी है, डिविनिटी भी है और सोल्जर्स का करेज भी है, इंडियन सोल्जर्स का कि यहाँ पे पोस्ट है जो इस मंदिर को संभालते हैं और हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी। दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस। ये जो रास्ता है जो हमने लिया है पैंगोंग लेक से चांगला पास होते हुए हम लोग लेह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इस पर रोड मत मानिए क्योंकि इस पर रोड बन ही नहीं सकती, क्योंकि इतने बड़े बड़े चट्टाने हैं, ये जो बर्फ़ पिघलती रहती है उसका पानी सड़कों पर आता है, उसकी वजह से जो बड़े स्टोन्स हैं वो अनस्टेबल होकर पत्थर नीचे गिरते रहते हैं, इसलिए ना हर सीज़न पे ये जो पूरे रोड हैं टूट जाते हैं, इनकी बार बार रिपेयर होती है। बट इट्स वेरी चैलेंजिंग टू ड्राइव हियर, आप सेल्फ ड्राइव करें, बाइक चलाएँ, इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग आउट ड्राइविंग हियर। आई सल्यूट ऑल द सेल्फ ड्राइवर्स जो अपनी गाड़ियाँ लेकर यहाँ पर आते हैं, जो बाइकर्स हैं, इन रस्तों पर चलना इज नॉट दैट ईजी एट ऑल। जुलाई का महीना है और जुलाई का महीना लेह लद्दाख में भी समर सीज़न होता है, यहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, फिर भी आप मेरे पीछे देखिए ज़रा कि कितनी स्नो है यहाँ पे, कितनी स्नो है। फ्रेंड्स, चांगला पास 17,688 मतलब 17,688 फीट की हाइट पर है, सो मच हाइट। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा मंदिर है चांगला बाबा का, और यहाँ पर माना जाता है कि ही इज़ दी गार्जियन ऑफ दिस पास। तो जो लोग इसको पास करते हैं
वो बाबा के दर्शन कर कर ही जाते हैं। और मैंने जब दर्शन करे तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं तो इतना आत्मविभोर हो गया था, मेरी आँखों से तो आंसू ही नहीं रुके। क्योंकि मैं जब गया तो वहाँ पे प्रेयर का टाइम चल रहा था, प्रार्थना का शुरू होने वाली थी, और जैसे ही जोत लगने वाली थी पीछे से ऐसे मंत्रों की आवाज़ आ रही थी, मैं तो पता नहीं क्यों, कोई रीज़न नहीं था, लेकिन मैं तो रो पड़ा एकदम। ये अद्भुत मंदिर है, मुझे तो बहुत प्यार हो गया इस जगह से, इतनी सुंदर जगह है, इतनी सुंदर जगह है चांगला पास। और मुझे, मैं फिर यही कहूँगा कि मुझे एक्लिमेटाइजेशन जैसी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ्रेश एयर है, सनी भी है, चिली भी है, सनलाइट है, स्नो भी है, डिविनिटी भी है, और सोल्जर्स का करेज भी है, इंडियन सोल्जर्स का कि यहाँ पे पोस्ट है जो इस मंदिर को संभालते हैं और हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी। दिस इज़ अ ग्रेट प्लेस। आपसे फिर एक बार यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, चांगला पास पर ही कैफ़ेज़ और वॉशरूम की बहुत अच्छी सुविधा है, तो आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच या छोटा ब्रेक जैसा भी चाहें आप आराम से चांगला पास पर ले सकते हैं।